नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसको एक बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। वह कौन सी परेशानी है? तो पशु के पेट में आफरा गैस, और गैस जो है अचानक बन जाती है। किसी किसी पशु में ऐसा देखा जाता है कि गैस का जो परेशानी है, आफरा का जो परेशानी है, वह पशु में धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे करके उसके पेट में गैस बनती है। तो ऐसी कंडीशन में है, जब पशु को गैस धीरे धीरे बनती है थोड़ा थोड़ा करके, तो जो भी मार्केट में गैस का दवा आता है, जैसा कि बोलोटाक्योर हो गया, कि टायरल हो गया, गैस्टीना हो गया, या गैस ऑफ हो गया, किसी भी कंपनी का, अच्छा कंपनी का दवा हम देते हैं पशु को, तो उसका जो गैस है आफरा कंप्लीट हो जाती है। लेकिन किसी किसी पशु में ऐसा भी दिखाई देता है, ऐसा देखने को मिल रही है कि अचानक से गैस बन जाती है, और अचानक से इतनी ज़्यादा पशु में गैस बन जाती है कि वह पशु जो है सही ढंग से खड़ा भी नहीं रह पाती है, और बैठ करके, लेट करके, गर्दन गिरा करके कराहने लगती है, और मुंह से लेर भी गिराने लगती है। तो ऐसी कंडीशन पशु में अगर हो जाए, तो आप जो लिक्विड वाला दवा होता है वह पिलाने में भी वह उसको नहीं बनती है। तो इस कंडीशन, अगर इस तरह का पशु में कंडीशन हो जाए, आपको लगेगा जो पशु अब बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है, बचने लायक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि डायरेक्ट आपको रूमेन पंचर करके आपको गैस निकालना है। जैसे कि बगल में देखिए, मेरा एक वीडियो है, उसमें हम किस तरह से गैस जो है भैंस को निकाल रहे हैं। तो उसके रूमेन में जो 18 नंबर नीडल होता है, देखिए बताते हैं 18 नंबर नीडल किस तरह से होता है। इस तरह से जो 18 नंबर नीडल होता है, जिससे हम पशु को इंजेक्शन देते हैं किसी भी दवा का, तो यह 18 नंबर आप जो रूमेन वाला एरिया है, आप उसे रूमेन वाला एरिया में डायरेक्ट पंक्चर कीजिए। इस तरह से आपको उस वक्त डायरेक्ट पंचर करके आपको गैस निकाल लेना है, और आप जख्मिए रूमेन को आप पंचर कीजिए, अगर गैस निकालिएगा, उसके पेट से जो आफरा है वह बाहर होगी, तो पशु जो है ऑटोमेटिक वह कंट्रोल में आ जाएगी, अपने आप वह गर्दन उठा लेगी। तो जब पशु को आप जब इतना कर लीजिएगा, सुई लगा करके आप जो उसके पेट का जो आफरा है, गैस है, वह निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है वह बताते हैं। आप जब गैस निकालिएगा, उसी वक्त से वह जो है कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है? तो इसके बाद आपको एक क्योर वेट कंपनी का दवा आता है, बोलोटाक्योर, जो कि लिक्विड है, यह जो है 100 ml में आता है। तो यह बोलोटाक्योर को आपको एक बोतल, बड़ा पशु है, 4 क्विंटल 5 क्विंटल करीब है, तो एक बोतल 100 ml पूरा आपको पिला देना है, और जो यह बोतल है बोलोटाक्योर, वह एक बोतल और लेना है, एक बोतल और यानी 100 ml और लेना है, और डायरेक्ट आपको रूमेन में ही यह दवा को डाल देना है, जहाँ से, जिस एरिया से गैस निकाली है, आप यह सिरिंज की मदद से इस तरह से खींच करके आप पेट में डायरेक्ट आप यह दवा दे दीजिए। इतना करने के बाद आपका पशु जो है एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपको इंजेक्शन क्या क्या लगाना है वह हम आपको बताते हैं। इतना जो हम बारी बारी से जैसा जैसे बताए हैं, वही उस तरह से आपको करना है। तो अब जब पशु कंट्रोल में आ जाएगी, पशु बैठ जाएगी, खड़ा हो जाएगी, तब आपको इंजेक्शन क्या क्या देना है वह हम आपको बताते हैं। तो इंजेक्शन के तौर क्या होता है कि जब पशु के पेट में आफरा होती है, तो उसके पेट में दर्द भी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में पनेसिया कंपनी का एक पैनाडिक दवा आता है, पैनाडिक, जिसका जो साल्ट है डाइक्लोसामिन। इस साल्ट का किसी भी कंपनी का दवा आप स्टैंडर्ड कंपनी का दवा दे सकते हैं। यह जो पैनाडिक है, अगर 4 क्विंटल लेकर ही पशु है, तो उसको पूरे 30 ml लगा दीजिए, 15 ml गर्दन के इस भाग और 15 ml गर्दन के इस भाग, और 2 क्विंटल लेकर ही है तो 15 ml दीजिए। अगर उससे भी छोट पशु है, 1 क्विंटल के करीब है, तो 7 से 8 ml यह इंजेक्शन आपको दे देना है, जिसका नाम पैनाडिक है, पनेसिया कंपनी का। साथ में एक एंटीबायोटिक भी दे देना है,
जैसे कि मोक्सॉन नाम से एंटीबायोटिक का था, एलएनबी कंपनी का। इस तरह साइड में देखिए जो जो दवा बताया है, फोटो दिया गया है। मोक्सॉल दे देना है, अगर 4 क्विंटल के करीब है तो 4 ग्राम देना है, और 3 क्विंटल के करीब है तो 3 ग्राम। किसान भाइयों, यह जो मोक्सॉल है एलएनबी कंपनी का, इसका जो साल्ट है, कंपोजिशन है एमोक्सासिलिन सोडियम एंड कोलोक्सासिलिन सोडियम। तो यह इंजेक्शन देने के बाद आपको एक एविल भी लगा देना है, जैसे कि जीट नाम से एलएनबी कंपनी का दवा आता है, एविल, जिसे एविल कहते हैं जीट नाम से, या फिर एनिस्टामिन आता है वो भी एविल हो गया, तो एक एविल भी दे देना है। तो एविल कितना देना है, बड़ा पशु 4 क्विंटल के करीब है तो एविल 10 ml देना है, छोटा पशु 2 क्विंटल करीब तो 5 ml, उससे भी छोटे पशु है 1 क्विंटल करीब तो 2 से 2.5 ml देना है। किसान भाइयों, इतना काम अगर आप अपने पशु के साथ करते हैं तो उसको जो अचानक से आफरा हो गया है वह आफरा से बिल्कुल बाहर आ जाएगी। किसान भाइयों, अगर नॉर्मल बुखार, सॉरी नॉर्मल गैस रहता है, नॉर्मल आफरा रहता है, तो वहाँ पर जो है आप किसी तरह का लिक्विड दवा भी पिला सकते हैं, लेकिन जब अचानक से बहुत से आफरा हो जाता है तो पशु दवा पीने लायक नहीं रहती है, उसको आप दवा नहीं पिला सकते हैं, वह पीवे नहीं, वह तो गर्दन गिरा ले रहेगी, गर्दन जमीन पर लेटा लेगी और वह कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो सबसे पहला काम जो आपको है करना है रूमेन पंचर करना है। अब रूमेन कहाँ होता है वह देखिए, हम नीडल पंचर किए हैं अभी, आप गैस निकाल रहे हैं, कहाँ रूमेन होता है, तो वह सबसे पहला काम रूमेन को पंचर करना है, और अच्छी तरह से उसके पेट का जो गैस है आफरा, उसको निकालने के बाद आपको गैस निकालने के बाद ही कोई काम करना है। तो गैस निकालने के बाद जो क्लोरभेट का ब्लोटा क्योर है 100 ml पिला देना है, और साथ साथ जो 50 ml होगा दूसरा बोतल 100 ml को उसमें से निकाल के डायरेक्ट रूमेन में अगर दीजिएगा, तो आपका पशु इस तरह का भयानक डिजीज, इस तरह का जो डेंजरस बीमारी है, इससे बाहर आ जाएगी। किसान भाइयों, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर कीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।